नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं राजेश तिवारी। भोजपुर जिला का 47वां स्थापना दिवस समारोह काफी ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ ऐतिहासिक वीर कुंवर सिंह मैदान के स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सभी इस क्षेत्र इस जिला के सभी विधायकों के अलावा जिला परिषद अध्यक्ष आरा नगर निगम के महापौर के साथ ही जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य वरीय अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर सभी आगत अतिथियों का स्वागत भाषण जिलाधिकारी ने किया। काफी ही हर्षोल्लास के साथ यह 47वां भोजपुर जिला स्थापना दिवस समारोह मनाई गयी। हमारा जिला का गौरव है और स्थापना दिवस के अवसर पर हम बार बार आप लोगों को प्रणाम करते हैं और दादा कुंवर सिंह को हम नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय। जिला में जगजीवन बाबू जैसा महान नेता पैदा हुए, डॉक्टर राम सुभाष सिंह जैसा ईमानदार व्यक्ति। भोजपुर जिला 47वां स्थापना दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने बैलून उड़ाकर सद्भावना के प्रतीक को दिखलाया। जिलाधिकारी ने बैलून उड़ाने के उपरांत सभी स्टॉलों का भी भ्रमण किया, जो जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों के द्वारा लगाई गई थी। विकास कार्यों की योजना की जानकारी आम भोजपुरवासियों को देने के उद्देश्य से विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण जिलाधिकारी के साथ ही पुलिस अधीक्षक ने भी की। कैसे बैलून को मित्रों से मेरा निवेदन है, चाहे वो डॉक्टर भीम सिंह रवेश हो और चाहे चंदन कुमार जी हो, चाहे अमरीश राणा जी हो, मृत्युंजय सिन्हा जी हो, सुशील कुमार जी हो, हिंदुस्तान के धर्मेंद्र जी हो, कितना अच्छा एक तालियां बजनी। उसको जिला प्रशासन एकदम अक्षरशः पालन करते हैं और उसको लोगों के बीच में जाकर लोगों की भलाई के लिए कराने के लिए यही जो हम लोगों के देश का जो स्तंभ है काम करना सबको आगे बढ़ना। और आज जो भी बात हुई जिसमें सभी जनप्रतिनिधि लोगों ने अपनी बातें रखी, सब लोग एकजुट होकर हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प है इसी बात पर। देखिए भोजपुर जिला करके देखेंगे तो इस 47वां कहेंगे, लेकिन जो क्षेत्र जिला के लोग हैं, जो यहाँ के जो विकास की जो बीच में भावना है वो बहुत ही पहले से है, उस पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक सतत बढ़ने वाली चीज हम लोग सब लोग देश इस जिले के लोगों के लिए देश के किनारे अब फोटो नहीं लेवा तू सर सर में बैठ जाइए। पहले आधे घंटे इस पर 7 दिन 8 दिन 10 दिन जब तक आप क्लियर ना हो जाए तब तक ट्रेनिंग होगा और उसके बाद जब आप क्लियर हो जाएंगे तब रोड पर ट्रेनिंग। भोजपुर जिला के गौरवशाली इतिहास रहा है या देश की आजादी की लड़ाई हो या स्वतंत्रता के बाद की बात हो या आधुनिक भारत की बात, उस सभी में भोजपुर जिला अग्रणी भूमिका निभाते आया है और आगे भी निभाएगा। भोजपुर जिला पुनः इतिहास रचने जा रहा है। यहाँ के लड़के, यहाँ का जो धरती उपजाऊ है उसी तरह यहाँ के युवा जो है वो भी ऊर्जावान है। यहाँ भोजपुर जिला में अधिकांश IAS IPS और इंडिया के स्तर पर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी बहुत बढ़िया से लड़के निकाल रहे हैं। ये हमारी धरती उपजाऊ है, या शिक्षा के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो, भोजपुर जिला हमारा एक गौरवशाली जिला। आपके नजर में 47 वर्षों में भोजपुर कितना विकास किया?
बहुत विकास किया। कितना किया, किस क्षेत्र में? पैमाना, विकास का पैमाना नहीं होता है। अगर पिछले से हम तुलना करेंगे तो हजार गुना हमारा भोजपुर जिला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला को हम लोग को, सभी लोगों को आदर करना चाहिए और देश में अमन चयन और शांति बहाल करके रखना चाहिए ताकि देश का विकास हो। आज हम में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। आप सोच रहे त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? आइए हम बताते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति धूप के दोनों और भुजाओं के बीच संबंधित जानकारी दी जाती है। दो कॉपी यही ना देखिए भाई, एक कॉपी जो चिल्ला दो झटका। अरे विधायक जी आइए आइए, सब लोग आ जाइए। इधर मीडिया वाले और भी है, मोबाइल एटीएम भी है हमारा, देख सकते हैं। नहीं ठीक, थैंक यू सर। हम भी देखते हैं आप तो सुरक्षा दिए हो, कल्याण विभाग अधिनियम के तहत मुआवजा दिया जाता है। उसके बाद अम्बेडकर आवासीय विद्यालय का संचालन किया जाता है। बालक अभी कहाँ कहाँ दिए रिसेंट नारी हत्याकांड में, इमादपुर हत्याकांड में नारी में दिए थे, इमादपुर नारी में हत्याकांड में दिए थे सर। हम साथ गए थे फोटो सर। अरे टोपी जला दी लावरा। अच्छा चलिए डीपीएम कहाँ गए? ये हम बताएंगे जी सर। हम जी हम लोग बता देंगे सर। बताएंगे सर, हम लोग बताते हैं। बताइए तो फिर सर। ये जीविका के तहत सतत उपार्जन योजना के अंतर्गत, मतलब कि अगर आज के दिन कमाएंगे नहीं तो दीदी खा नहीं पाएंगे, उनके लिए रोजगार है जिसमें कि दीदी को 100% फुली ग्रांटेड कोई पैसा दिया जाता है। तो दीदी को दो प्रकार का हम लोग फंड देते हैं सर। एक होता है लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट फंड, एक होता है लाइवलीहुड गैप असिस्टेंट फंड। तो रोजगार सलाह का है और अपना जो घर का छोटा मोटा जो खर्चा निकालता है, तो हम लोग एक महीना 7 महीने तक 1,000 रुपया दीदी को देते हैं सर। तो दो दीदी हम लोग यहाँ पे हैं, एक दीदी जो है वो किराना मनिहारी का जो संभाल रही है, एक दीदी जो है बकरी पालन कर रही है सर। बकरी अपने बारे में दीदी को क्या पता घर है तो मकान भी गिर गया है हमारा। फिर जीविका में जुड़े हम, तो जीविका में जुड़े तो हम घीओ में भी हमारा बकरी मिल गया जीने खाने को। हम बकरी से अपन पालन कर रहे हैं। बड़कन लड़कन को एक महीना में 1,000 रुपया मिलता है बच्चन के खाने। Thank you.
होशियार है आने वाले कल के लिए ये सब अब तैयार है यादगार सफर की यह तो शुरुआत यादगार सफर की यह तो शुरुआत है सूझ बूझ से भरे है अलग इनकी बात है कोई है पढ़ने में आगे सूझ बूझ से भरे है अलग इनकी बात है ऐसी प्रणाली जिसमें कार्बन डालते हैं खून की परत बनाकर ऑक्सीजन सप्लाई है लगते ही आदमी भाग जाता है सर भाई कारण इसका है अभी हम लोग सर जंगली स्पीकर से बुझा देंगे ब्लास्ट कर जाता है पूरा आग खुल इसको सर छोड़ना नहीं है बस ये सर एक फिंगर से बना जाता है क्योंकि सर आज यहाँ से यहाँ पूरा सर यहाँ से मुझे मिल रहा है सर यहाँ से कोई करना चाहते हैं तो आ जाए क्या उपाय है वो तो विधायक जी आइए सामने सर से भाई सामने सर है सामने सर हम बताओ हम बताएंगे